इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। ये हमारा टेंट है जो हमने लिया था और बाहर जमा देने वाली सर्दी, सब हम पैक हो चुके हैं लेकिन इतनी सर्दी है कि फिर भी हम कांप रहे हैं। और अभी जो है खाना हमारा लग चुका है, बाहर खाना खाने जा रहे हैं और फिर चलते हैं साथ में आ जाए। बहुत ठंड है यहाँ पर और ऊपर तारे हैं जो बहुत करीब से नज़र आ रहे हैं हमें, वो मैं आपको कैमरे की आँख दिखा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिस पर हम आ गए और लड़के भी हमारे आ गए, यहाँ पर बैठ के खाना खाएंगे। यार बहुत, मैं कहूँगा कि अगर आपको यहाँ आना है घूमने तो श्री पाए जरूर घूमना। हाँ थोड़ी सी मुश्किल है, डर लगता है ऊपर है ये पहाड़ों के, लेकिन भाई बहुत खूबसूरत जगह है बहुत, और ये चाय भी अच्छी है। लेवल है, लेवल भाई, लेवल है वाकई। ये देखें छल्ला में डाजी डोला वे अग बालिया से कनते, होए रब तेनु हुसैन दिता सनु रज रज वे कन दे। छल्ला में डाजी डोला वे आलू मटर पके होए नी, ओ तेरा 14 सिंध लोगो सिरी पाए ते ओ छल्ला में डाजी डोला वे कई चप्पल हवाई पावा, ओ मेरा दिल ले गई है तेरे नाल जुदाई पावा। जिस तरह रात ढलती गई उसी तरह ठंड का जोर भी बढ़ता गया। मध्यम होती हुई आग ने हमें इशारा दे दिया कि अब मजबूरन हमें अपने खेमे में वापस चले जाना चाहिए। जमा देने वाली रात के बाद सवेरा हुआ, एक ऐसा सवेरा जिसे देखकर ये आंखें दंग रह गईं। सिवाय अल्लाह की तारीफ के जुबान से कोई और लफ्ज़ निकल ही नहीं रहा था। आखिर वक्त हो गया है वापस जाने का, दिल तो नहीं कर रहा इतनी खूबसूरत जगह को घूमने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की और बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसको अभी हमने एक्सप्लोर करना है और जाना है उन जगहों पर, तो उसके लिए हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है मुझे उम्मीद है कि इनसे ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। एक बार फिर वही सफ़र शुरू हो गया, पिछली बार ऊपर चढ़ते हुए सफ़र था और इस बार जो है नीचे उतरते हुए, मुझे लगता है कि नीचे उतरना चढ़ने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कैसे शफीक भाई? आसान है नीचे जाना। बकौल शफीक भाई के, इस रास्ते से नीचे की तरफ जाना आसान है,
मगर मुझे तो उतना ही कठिन लगा जितना कि ऊपर की तरफ जाना। मगर सुबह सुबह का वक्त एक अलग ही नज़ारा पेश कर रहा था। हम यहाँ बीच रास्ते में रुक गए और हमारी जो दूसरी गाड़ी थी वो ख़राब हो गई है और ये घना जंगल है और नीचे बड़ी खाई है, तो इस जगह पे खड़े हैं और हमारे जो बाकी दोस्त हैं वो पीछे से आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो ऐसा ही अच्छा मेरे साथ भी हुआ। जब हमारी एक जीप ख़राब हो गई तो उसके बदले में जो हमें दूसरी जीप लेने आई तो वो ओपन जीप थी, और ओपन जीप में खड़े होकर इस दिलकश रास्ते पर सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा था। हाँ भाई, भाइयों कैसा लग रहा है ओपन जीप में? बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है, नीचे बर्फबारी ऊपर स्नो, यार असल में मजा ही अपने होली जीप में जो व्यूज आ रहे हैं ना वो बकायदा बहुत ऑसम, बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो, ऐसी शुगर मिला लगाए रखो, ऐसी शुगर मिला लगाए रखो, तेरा प्रोग्राम जिंदा रहे नसाना सिंधी अगदे वतन दिसन कसानी है तो यार छोशा मुश्तगा है आला यक को दो मी है सोग बेगा गस्तगा तो बेमना न बुत्तगे मम बेतरा न बुत्तगा आधार मैं कसानी है तो यार छोशा मुश्तगा है आला यक को दो मी है सोग बेगा गस्तगा तो बेमना न बुत्तगे मम बेतरा न बुत्तगा। एक बार फिर खूबसूरत रास्ते से हिचकोले खाते हुए वापस आ गए कीवाई पर, और यहाँ पर नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद हमने जाना है नारान और वहाँ हमारा आज का स्टे होगा, तो सबसे पहले अपन चलते हैं नाश्ता करते हैं, फिर नाश्ता करके हमें निकलना है नारान की तरफ। तो सफर